अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप सभी लोग के साथ स्टार चैनल में। तो आज मैं आप सभी लोग को दिखाऊंगा मिर्ज़ा नूरबाग इंटर कॉलेज रहमतुल्लाह अलैह के आज कॉलेज में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो गाइस आज मैं आप सभी लोग को मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोग को वहाँ का व्यू दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को वहाँ का व्यू देख कर काफ़ी वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए गाइस मैं आप सभी लोग को दिखाता हूँ आगे का व्यू। चैनल पर नया चैनल के सब्सक्राइब वीडियो करिए लाइक। तो चलिए गाइस मैं आप सभी लोग को दिखाता हूँ आगे का व्यू। मदीने का मंजर हसी किस कदर है, मदीने का मंजर हसी किस कदर है, मदीने में जाने को जी चाहता है। जहाँ पर चमकता मोहम्मद का घर है, वही घर बनाने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आता तो इतना मजा आता, कि फिर टूट जाने को जी जाते। मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहां ये दुल्हन से अपनी। ये जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहां अंजलाने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर तो जामे सगाजत, लबों पे लगाने को जी चाहते हम। प्रोग्राम से मुझे शायद कि ये जरा कुछ करके निकल जाया करता, लेकिन आज आया और इसके अंदर घबराहट से भी पहन लेते बरामदे में, जरा प्रेशर लेते अच्छा लगता। आपको टेंशन है, आप प्रेशर में है, ये प्रेशर तो आपको आगे ले जाएगा। बहुत अच्छे कामरा, अल्लाह आपके मुस्तकबिल को बहुत सवारे और हमेशा आप कड़बड़ के प्रोग्राम में हिस्सा लेते रहे। एक बार और तमाम स्टूडेंट से मैं कह रहा हूँ कि एक साथ और एक बार हाथ ऊपर करें। अब ये हमारा असल प्रोग्राम यहाँ से शुरू होने जा रहा है और एक साथ जरा लहराएं। वेरी गुड, ताली बजाओ। आइए आप पहले ग्रीन हाउस से मोहम्मद अजहर। महकती थी एक लाख की खुशबू, उनकी सीरत में महकती थी एक लाख की खुशबू, उनका तसव्वुर उनका किरदार कायना था, उनका इखलाक उनका किरदार और उनका तर्ज़ अमल उनका
इखलाक उनका किरदार और उनका तर्ज अमल सहर इल्म अदब और सफर का जीना था। स्वर्गीय मिर्ज़ा अनवर है रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत थी जो हमारे दरमियान तो नहीं मगर वह अपनी अजमत और काबिलियत की वजह से हमारे दिलों में हमेशा जिंदा आवेद है। वह बेहतरीन खून व खानदान के वालिद थे क्योंकि खुद का एहतराम करना और खानदानी अजमत दूसरों का एहतराम करना उनके दिलों में तालीम की लगन और जब का एहसास था जो कि उन्होंने अपने हौसले को हमेशा बुलंद रखा कभी भी हिम्मत न हारी अकल व बसीरत से काम लिया और 22 अक्टूबर 1962 में मदरसा इंटर डिग्री की बुनियाद रखी। उन्होंने इस बंजर जमीन को ऐसा ताताब और नूर बख्शा है जो कि अहे शबाब और तकलीफ के इस दौर में लोगों के दामन में कामयाबियां सुनाते रहेंगे। खुशबू आए तो उनकी रातें मुअत्तर कर देगी। 24 नवंबर 1998 को इस दान पानी से कूच कर गए। तहरीर से मुमकिन है ना तकरीर से मुमकिन, तहरीर से मुमकिन है ना तकरीर से मुमकिन, वह काम जो इंसान का किरदार करे। तहरीर से मुमकिन है ना तकरीर से मुमकिन, वह काम जो इंसान का किरदार करे। ऐसे कुछ नक्शे अमल सोते जाओ, तुम ना हो गए तो तुम्हें याद करेगी दुनिया। खुदा बहुत शाबाश मोहम्मद अजहर। एक तालिबे इल्म होने के बाद बड़ी अच्छी और एक इल्मी बात और जो भी बातें कही है वही को आवाज देता हूँ। वो माइक से तशरीफ ले आए और मिस्टर अनवर बेग शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनकी नमाज में आप उस पर रोशनी डालिए। माइक पर मोहम्मद मस्तान फर्स्ट ईयर में। इबादतों की तरह मैं अपना काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं अपना काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले मैं सलाम करता हूँ। जनाबे सदर साहब असातिज़ा इकराम व हाज़िरीन जलसा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ो दिल में जो आए हो मुझे कहते रहो, अजीज़ो दिल में जो आए हो मुझे कहते रहो, मैं जो दरिया खामोशी से बहा करता हूँ। मिर्ज़ा अनवर बेग शहीद रहमतुल्लाह का संबंध तैमूर की बल्लाद सागर से है जिसे हम लोग आज मगर खानदान से जानते हैं। आपके वसामत काल में ही एस एन एस डी के संचालक के रूप में आजमगढ़ जिले की निजामाबाद के तमजीद मिर्जापुर गाँव में जहांगीर के रूप में रहने लगे। आपका जन्म 30 जुलाई 1935 ईस्वी में सबराज शादन जौनपुर अभी आप 7 वर्ष के ही थे। आपके पिता श्री फायर ब्रिगेड के दुर्घटना में शहीद हो गए। आपका पालन पोषण आपके दादाजी ने किया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। 1947 ईस्वी में लखनऊ और श्री जॉर्ज स्कूल में आजमगढ़ में शिक्षा प्राप्त किया। 1950 ईस्वी में ANU अलीगढ़ में प्रवेश लिया और भूगोल विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा सागर विश्वविद्यालय से छात्र के रूप में पंजीकृत हुए। आपका एकांकी जीवन एक दर्शनी चिंतक एवं अध्ययनता की भांति गुजरा। अपनी बेनौरी पे हजारों साल लड़की रोती अपनी बेनौरी पे बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। इसी बीच आप अपने निहार गाँव सबराज साधन जौनपुर आए। सबराज गांव की अपनी एक विशेष ऐतिहासिक छवि है। इसी गांव में महाकाव्य इंद्रावती और अनुराग कपूरी के रचयिता प्रसिद्ध सूफी संत नूर मोहम्मद का जन्म हुआ था, किंतु समय के साथ साथ पूरे क्षेत्र में अशिक्षा और पिछड़ेपन का बोलबाला हो चुका था। आप चाहते तो किसी ऊंचे पद को प्राप्त कर लेते, लेकिन आपने ऐसा न करके क्षेत्र से अज्ञान के बादल को छापने की दिशा में वचन तथा कर्म से जुड़ गए। आपकी कल्याणता लगन एवं संकल्प का शक्ति का सभी ने सम्मान किया। आपने इस उत्तराखंड की ऊंचर भूमि को भाग्य रेखा बदल दी। आपने विधा और जान के ऐसे दीप जलाए की संपूर्ण पूर्वांचल जगमगा उठा। आपके इन प्रयोगों की सफलता ने सारंग के अनेक शिक्षा प्रेमियों का उत्साहवर्धन किया। आस पास में अनेक शिक्षा और संस्थाएं स्थापित हुई। इन क्षेत्र से शिक्षक विकास के अग्रदूत रहमतुल्लाह ने इस्लामी शिक्षा स्थापना मौलाना आजाद तालीम अर्थक मार्कर के तत्वधान में अर्थी स्कूल इस्लामी। स्थापित किया और 1975 ईस्वी में मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण कराया। इसके बाद क्षेत्र के स्वर्गीय विकास हेतु उच्च
शिक्षा केंद्र की स्थापना की ओर आदर्शा इत्यादि समाज सेवक राष्ट्रीय प्रेमी दया एवं करुणा की मूर्ति स्वर्गीय अब्दुल अधीर अंसारी की पुष्ट समृद्धि में अब्दुल अधीर अंसारी पीजी कॉलेज की स्थापना की, जो आज आपके सामने अब्दुल अधीर अंसारी पीजी कॉलेज के रूप में विद्यमान है और इस क्षेत्र की जनता के लिए सम्मान का प्रतीक है। जिंदगी के तजुर्बे से मैं समझा है तथा इंटर कॉलेज का 1975 में स्थापित किया और 1975 में मस्जिद-ए-कुतुब इस्लाम का निर्माण कराया। इसके बाद क्षेत्र के स्वर्गीय विकास के उच्च शिक्षा केंद्र की स्थापना की और आदर्शा इत्यादि समाज सेवा प्राची प्रेमी दया एवं करुणा की मूर्ति जिंदगी के तजुर्बे से मैंने समझा है नसीम, जिंदगी के तजुर्बे से मैंने समझा है नसीम, सब कुछ रखना जमाने में बहुत दुश्वार होता है। किंतु 24 नवंबर 1998 शहीदों की टोलियों में आप भी सम्मिलित हो गए। राजू, यदि आज आप हमारे बीच नहीं है फिर भी आपके ऐसा का प्रकाश हम सभी के अंदर मौजूद है और इंशाल्लाह इस संसार में आप अमर तथा आसमानी रहेंगे। खुशियों को बुलाओ तो कम मिलते हैं, खुशियों को बुलाओ तो कम मिलते हैं, ये कम जिंदगी में हरदम मिलते हैं और जो दिल का दर्द मार सके ऐसे दोस्त जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। जिंदगी भर के लिए कुछ निशानी पड़ जाए बात ऐसी न लिखो लिख के नगर तकदीर का सिपा मुकद्दर आज माता जा मिलेगी खुद को खुद हर दिन कदम आगे बढ़ाता जा। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है पूजा को याद करने से। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ बैठा रहा हूँ ये महसूस कर रहा था कि आज मेरे हाथों में फूल नहीं है, फूल के हार नहीं है। आसान को कम पहना था अपने वाजिबुल क्रिसमस नौशाचे हाथों को आप फजा में लहराएं और कलाइयों को आप जरा हरकत दीजिए और फिर ये बच्चा थोड़ा रफ्तार से हो और मोहम्मद शाह सहित को आवाज देता हूं कि माइक पर अब आपकी बारी है कि थाम के बैठे हमारी बारी आई है और माइक पर शाह कहे आप आएंगे सर और देख शहीद अहमद गाले पर जो आपके ख्याल मोहम्मद गया। जनाबे सदर साहब अताबजाए किराम महाजिर ने जनसर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुह। हजरत और बोले अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। मिर्जा अनुरबेग शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिनकी पैदाइश 30 जुलाई 1935 को हुई, उनका सिलसिला नस्ब तैमूर के कबीले बरलास से मिलता है और उनके अजदाद मुगल अफवाज के साथ भारत में आए। निजामाबाद के पास फौजी छावनी नहाट जो सल्तनत मुगलिया की तरफ से कायम की गई थी उस पर आला तरीन हो गए और इस पूरे तालुक के जागीदार मुकर्रर हुए और यहीं से उनकी औलाद इस छावनी के करीब मिर्जापुर गाँव का मिर्जा अनुरबेग शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बरौनी जमींदारी मिर्जा अनुरबेग शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बरौनी जमींदारा माहौल में हुई। इब्तदाई दीनी तालीम उनकी वालिदा मोहतरमा ने कायदा हाजिर बशीर अहमद साहब ने शुरू कराया और कुरान मजीद उर्दू और अंग्रेजी की इब्तदाई तालीम हाजी शमसुद्दीन साहब मजमून ने दी। उसके बाद तालीम के सिलसिले में लखनऊ चले गए। सन 1947 व 1948 के कुल आवेश दौर में लखनऊ छोड़कर आजमगढ़ सिटी जाट स्कूल में दाखिल हुए और सन 1950 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए और तालीमी जुग्राफी से बहुत लगाव था इसीलिए कुछ दिन सागर यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे, जिसकी वजह से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कौम के
कौम की खिदमत का जज्बा ऐसा होना चाहिए, कौम की खिदमत का जज्बा ऐसा होना चाहिए जो लगे हर एक को अपना ऐसा होना चाहिए। मिर्जा अनवर बेग शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने मुबारक हाथों से 22 अक्टूबर 1962 ईस्वी में मुनक्का इंटर और पीजी कॉलेज की बुनियाद डाली, जो ईशा का तारा कयामत तक कायम रहेगा। उसके बाद 24 नवम्बर 1998 में मर्द मुजाहिद के शहीद कर दिया गया, क्योंकि कौम की खिदमत का जज्बा ऐसा होना चाहिए, कौम की खिदमत का जज्बा ऐसा होना चाहिए जो लगे हर एक को अपना ऐसा होना चाहिए। गोलियां खाकर बिगड़ जाता हो जिसका हौसला, गोलियां खाकर बिगड़ जाता हो जिसका हौसला, कौम का रहबर हमेशा ऐसा होना चाहिए। अल्लाह जीवन में अपने परिवार तथा सभी संबंधित को सीमित रहते हैं और अच्छे बुरे कार्य करते रहते हैं और इस संसार से चले जाते हैं और धीरे धीरे लोग उन्हें भूल जाते हैं। साहब आज हमारे बीच नहीं है, उनसे उनका त्याग बलिदान और घर हमारे देश के प्रकाशमान दीप की तरह प्रज्वलित है। अमर शहीद जब तक ये दुनिया काम रहेगी तब तक अमर शहीद स्वर्गीय मिर्जा रवी साहब की कृतियां याद की जाएगी। अमर शहीद का जीवन बचपन से ही संघर्ष हो रहा है, बचपन में ही उनके सिर से इनके पिता की छाया समाप्त होगी। इनके पिता का नाम स्वर्गीय मुजफ्फर बेग था, जो बॉम्बे में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे। एक बार बॉम्बे में भीषण आग लगी, क्योंकि ये कर्मचारी थे तो ये भी वहाँ पहुंचे थे और किसी भीषण आग के चपेट में आकर ये शहीद अपने आप को असहाय महसूस कर दिया। इनके प्रत्येक सामाजिक कार्य पूरी संकल्प से अपने उच्च आदर्शों और अपने उच्च आदर्शों और लक्ष्य की पूर्ति करने में लगे हैं। प्रारंभिक शिक्षा घर पर प्राप्त करने का उच्चतर शिक्षा हासिल करने के लिए मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ से उन्होंने उच्चतर शिक्षा संस्थापित इंटर कॉलेज, जो पहले मौलाना आजाद इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता था, आज गुरु के नाम से मिर्जा रौजी के कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, मरहूम ने इस विद्यालय के उत्तरी दिशा में 1996 ईस्वी में एक अति सुंदर महाविद्यालय अब्दुल अजीज अंसारी हिंदी कॉलेज मजिया के नाम से निर्मित किया। मरहूम का उद्देश्य यह था कि इस संस्था से शिक्षा ग्रहण करने के बाद, छात्र शिक्षा प्राप्ति के बाद अपने जो धन पूर्व अपने पतवा से अपने देश तथा समाज को प्रकाशित करते रहे। खुदा का खौफ मिर्जा साहब के रूम में समय था, दो दिशा और प्रतिशोध का नाम निशान नहीं था, दो दिशा प्रतिशोध का नाम निशान नहीं था। ये व्याकरण का एक कर्मचारी प्रति इनका उत्तम व्यवहार था। ये अपने विद्यालय के कर्मचारी चाहे वे छोटे हो या बड़े हो, सबको आप कहा कर दिलाते हैं। उनका ध्यान देते हुए विद्यालय आते समय कुछ असामाजिक तत्वों ने रास्ते में गोली मार दी। फिर भी ये थे सहनशील और इतने बहादुर व्यक्ति थे। गोली लगने के पश्चात भी ये अपनी गाड़ी में बैठे और अपने से ही अपनी गाड़ी को चलाकर सतहा पहुंचे। वहाँ उन्होंने किसी डॉक्टर से मलाई पट्टी करवाई और वहीं से अपने घर वालों को फोन किया, बस सभी संबंधियों को फोन किया। फिर इनके घर वाले वहाँ पर पहुंचे और इन्हें वाराणसी हिंदी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 दिन वाराणसी हिंदी अस्पताल में भर्ती रहे और 5वें दिन ये शहीदों की टोली में खड़े हो गए। उनके कार्य और व्यवहार को बुलाया नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला की दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत के फिरदौस से आला ताला मकाम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माता फरमान है तुम इसको निभाओ, तब माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएंगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र की अय्या। अल्लाह की रहमत साया फिगन होगी, मिसले अमल किस्मत जलवा फिगन होगी, ये कश्ती अमल की है उसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ, न भूले से तकरी हुई मैंने तुझे ना सोच से भूल के, ये मौका हाथ में आए गनीमत तुमने से समझो, काटे अगर तुम तो मुझसे न कुछ कहना, हर दर सुबह तो
जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था वो पूरा हो रहा है। उससे पहले भी बहुत सारे छात्र यहाँ से पढ़ करके निकले हैं, ऊंचे पदों पर आसीन हैं, और मकसद भी वही था। पूरे भाषण में एक केस कामन मुझे मिली कि ये क्षेत्र में काफी शिक्षा की कमी थी, और मुझे लगता भी है कि सुसरह का नाम से ऊसर भूमि पर ये बिल्डिंग सुंदर इमारतें लहलहा रही हैं। साथ ही साथ मिर्जा साहब ने आसपास के लोगों को जगाने का कार्य किया, जिसका परिणाम स्वरूप आज ये एजुकेशन का हब हो गया। 3-4 किलोमीटर के अंदर मुझे लगता है 2500 इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड, यूएससी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड से स्थापित किए जा सके। ये आपकी ही जिससे आप ऐसे शख्सियत के मालिक थे जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इन्हें जौनपुर का अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि हम उसी पथ पर अग्रसर हैं जो मिर्जा अनवर बेग शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिशें थे। जो तालीम है इसको कहीं से पीछे न छोड़ा जाए। आज उसी क्रम में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई जो उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को टॉपिक बनाया गया। इस प्रतियोगिता के जजेस थे, पहले भी आपको आधार साहब ने बता दिया है कि श्री नगेंद्र बहादुर सिंह जी प्रवक्ता हिंदी, वरिष्ठ सहायक अध्यापक श्री अबू मोहम्मद साहब और उप प्रधानाचार्य श्री संजय कुमार सिंह जी। 5 पॉइंट्स पे अंक दिए हैं। एक भाषा शैली, दूसरा शब्दों का चयन, उच्चारण, प्रस्तुतिकरण और आत्मविश्वास। ये 5 पॉइंट्स के जो अधिकतम मार्क्स थे वो 10 अंक थे। नो डाउट सभी ने बहुत अच्छा बोला, दिल से बोला, कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही थी, विश्वास के साथ बोला। तलफ्फुज भी बहुत उच्च कोटि के थे, शब्दों का चयन भी शानदार था, भाषा शैली भी लाजवाब थी। क्योंकि हमको हमारे द्वारा पहले ये घोषित भी था कि जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इसलिए हमें अंकों का निर्धारण करना था। इसमें कोई भी छात्र ये ना समझे कि मैंने बहुत अच्छा नहीं बोला। इसमें किसी छात्र को निराश होने की जरूरत नहीं है कि मैं सेकंड आया, द्वितीय स्थान प्राप्त किया या मैं तृतीय स्थान प्राप्त किया। लाजवाब था, बेमिसाल है जो आपने मिर्जा अनवर बेग शहीद रहमतुल्लाह अलैह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रस्तुत किया। अंकों का तो 50-50 मीन्स की जो 3 जजेस थे टोटल 150 मार्क्स हो गए। तो 150 मार्क्स में 5 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया था। पहले सदन से 2 छात्र थे, मोहम्मद जुनैद और मोहम्मद अर्श। लाल सदन से मोहम्मद अजहर, हरा सदन से मोहम्मद अजहर और लाल सदन से मोहम्मद हस्सान, जबकि नीला सदन से शाहबाद। तृतीय स्थान जो प्राप्त किया है वो अजहर है जो 11वीं के हैं। द्वितीय स्थान जो प्राप्त किया है 150 में 104 अंक प्राप्त किया है। लाल सदन से है मोहम्मद हस्सान 11वीं। आप
सुनवाई के मामले अर्ज किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जो सीनियर जनरल से है 11 मीटर छात्र है, उन्होंने 150 में 117 अंक प्राप्त किया। तो इन सभी छात्रों के लिए आप एक बार वेरी गुड ताली बजाएं। आप रुको कर करें, उसके बाद वेरी गुड ताली बजाएं। आप सभी अध्यापकों का पूर्ण रूप से सहयोग रहा, बच्चों ने अनुशासन पूर्वक प्रोग्राम को एहतमाम पर पहुंचाया, इस सब के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। अपने समय अनुसार विद्यालय फाइनली गाइस आप सभी लोग वहाँ का व्यू देखकर, वहाँ का बैकग्राउंड देखकर और जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, आप सभी लोग को उम्मीद करता हूँ कि देखकर वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। गाइस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।